हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए मैं आज आपको ये जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूं ओके okay, उसका नाम है विकास लाइफ और बात करूं तो साढ़े पांच रुपए का पांच रुपए तीस पैसे का ये स्टॉक है फाइव रुपीज थर्टी पैसे स्टॉक है बट इसमें बड़े बड़े ग्रुप ने एफ ने लगभग पचास करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिनमें अगर मैं कुछ नाम आपको बताऊँ नमूरा इसमें एक है ओके okay, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो उसमें नमूरा एजिया डायनामिक लगभग यहाँ पर 50 करोड़ रुपए के यहाँ पर ये इक्विटी शेयर्स इधर से लिए गए इस कंपनी के लिए क्या हमें इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या हमें एक्जेक्टली exactly करना चाहिए उस चीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे बट बिफोर वीडियो में आगे बढ़े आपसे तो, तो ये पांच रुपए का जब हम बात कर रहे हैं ना पांच रुपए की तो याद रखिये पांच रुपए का पैनी स्टॉक है तो हमे, हमेशा पैनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट करना है बट याद रखिये जो रिस्क लेता है वो पैसा बनाता है और ऐसी छोटी छोटी कंपनी ओके आगे चल के कब कम में वाली कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाली ने इतने के दे दिया, इस यही पांच रुपए वाली कंपनी आपको करोड़पति बना दे बट उसमें उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट भी ठीक होता है तो कहने का मतलब क्या कहने का मतलब है कि रिस्क अगर आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके याद रखिए करोड़पति और अरबपति पति यहाँ पर बन सकते हैं नो डाउट बट इसमें अगर हम बात करें इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है तो रिस्क उतना ही इन्वॉल्व है जितना आपके पास इसमें पैसा लगाने को है अगर आप इसमें मान के चलिए हजार रुपए लगाते हैं तो हजार रुपए रिस्क है आप इसमें दस हजार रुपए लगाते हैं तो दस हजार रुपए रिस्क है आप इसमें एक करोड़ रुपए लगाते हैं तो एक करोड़ रुपए रिस्क है एक लाख रुपए लगाते हैं एक लाख रुपये रिस्क है बट वो ही एक लाख रुपए ये मल्टी बैगर कंपनी आपको बना के शायद एक लाख रुपए को यहाँ पर एक करोड़ रुपए में बना दे और आपके दस हजार रुपए को शायद पचास लाख में कन्वर्ट कर दे तो ये उस कंपनी में ऐसा ये शेयर आता हुआ दिखाई देता है तो इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल सबसे बातें करेंगे और टेक्निकल्स को तो यहाँ पर छोड़ ही देते हैं क्यों क्योंकि ये कंपनी अगर आप सोच रहे आज ही इन्वेस्ट कर दूंगा हाँ ओके यहाँ पर इन, ने इन्वेस्ट कर दिया है तो क्या कहते हैं कल की डेट में ही इसमें ये सीधे धुआंधार भागेगा और करोड़पति आपको बना देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है इस चीज को भी अपने माइंड में क्लियर रखिएगा तो

ओके okay, सॉरी सॉरी बारह करोड़ पचास लाख शेयर इन्होंने किसे दिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को यहाँ पर प्रेजेंट करे कितने में रुपए के हिसाब से यहाँ पर पेश करे और जिसमें हम बात करें कितने रुपए के लगभग फिफ्टी करोड़ रुपीजे तो खरीदा है तो कितने परसेंट के जाते है और इनके पास टोटल कितने शेयर है तो हम बात करें तो एक करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार नौ शेयर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर इस कंपनी के पास है जिनमें से इन्होंने बारह करोड़ पचास लाख शेयर इस कंपनी को पांच परसेंट करोड़ रुपए में पांच परसेंट से ज्यादा ये शेयर बेच दिए हैं तो जिनमें से अगर पांच परसेंट शेयर जो बेचे गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा शेयर किसने लिए है फोर्ब्स एम ईएमएफ ई फोर्ब्स का नाम आपने सुना ही होगा लगभग पांच करोड़ चालीस लाख शेयर यहाँ पर इन्होंने लिए अगर बात करें फाइव परसेंट का सबसे ज्यादा हिस्सा एसिंग के पास गया फोर्टी थ्री परसेंट की बात करें पैंतीस परसेंट पांच परसेंट का इनके पास गया लगभग चार लाख चालीस हजार और ए जी डायनामिक फंड दो करोड़ सत्तर लाख शेयर यहाँ पर इक्कीस परसेंट तक के शेयर यहाँ पर इन्होंने यहां पर लिया है ये विकास लाइफ केयर ने कहा है तो यहाँ पर आप किसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इसकी पूरी हिस्ट्री अगर जान ले तो सब कुछ अच्छा रहेगा कंपनी के बिजनेस मॉडल को जान ले तो अच्छा रहेगा तो एक बार बिजनेस मॉडल जान लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया बेस ये कंपनी है और दिल्ली बेस ये कंपनी है अगर बात करें यहाँ पर कंपनी पॉलीमर एंड पॉलीमर

ओके okay, बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं तो उसमें कोई अगर बात करे बेहतरीन यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रिटी एंड बिजनेस एथनिक इसके अलावा बिजनेस सेगमेंट की बात करें ये बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जैसे थ्री डिकेट्स का इनके पास एक्सपीरियंस है इनोवेशन इन द टॉक्सिन फ्री स्पेशल ऐसे केमि, केमिकल्स बनाते हैं जो जहरीले ना हो इसके अलावा वी प्रोवाइड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशलिटी केमिकल सॉल्यूशन टू डाइवर्स कस्टमर बेस ग्लोबली ओके और उन्हें ऐसे ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या बात करें तो उनके पास एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं इंटरनेशनल लेजिस्लेशन फॉर यूज इन सेफ्टी क्रिटिकल फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशन में जो यूज होते हैं जिनमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हेल्थ केयर एंड क्रॉप केयर इंफ्रा प्रोडक्ट इसके अलावा स्मार्ट प्रोडक्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है इनके अगर हम बात करें लगभग इन पैंतीस साल का एक्सपीरियंस मैनेजिंग डायरेक्टर है एस के धवन जो कि यहाँ पर एक एम एमएससी कर रखी है इन्होंने केमिस्ट्री में तो यहाँ पर इन्हें अच्छे अच्छे अवार्ड भी मिले हैं इसके अलावा डायरेक्टर एनसीओ मिस्टर विजय शर्मा है बीस साल का एक्सपीरियंस है पैंतीस साल का एक्सपीरियंस मिस्टर अरविंद गुप्ता को है, जो कि सी है और डायरेक्टर फाइनेंस है तो यहाँ पर और भी इनके अगर बात करें मैनेजमेंट और बोर्ड में यहाँ पर ये नाम आते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पर कंपनी की और बातें करें तो यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी एच की तो कंपनी रिसाइकिल करती है जो कि वेस्ट प्लास्टिक इंक्लूडिंग पीपी पी जितने भी है प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं ओके पाइप वगैरह तो ये सबको यहाँ पर रिसाइकिल करते हैं इनके इसके अलावा ये कंपनी अलवर में इनका एक प्लांट होगा जब पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज करते हुए दिखाई देते हैं इसके अलावा कहते हैं हाई ग्रोथ सेक्टर एज इन जितने भी क्लाइंट है उन्हें अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं तो और भी बहुत सारी चीज इसके अलावा यहाँ पर इनके कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए हॉरिजन ग्लोबल लिमिटेड ए लाइट आ, ये आ, ये जो एक साइन है ये इसके फुटवेयर कंपनी की बात करें देखिए मतलब क्या है ऑटोमेटिव सेंटर में भी है सॉरी ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव आटोमे, सेक्टर में भी है फुटवेयर में भी है इलेक्ट्रिकल वेयर सेक्टर में भी है हाइजीन हेल्थ केयर एग्री प्रोडक्ट केमिकल कंपोनेंट तो हर एक कंपनी में इनके प्रोडक्ट जाते हुए जाते हैं इनके कस्टमर्स बड़े बड़े रिलैक्स हो ज्यादा बुगाटी, लिबर्टी, बाटा, एक्शन सारे सबके साथ इनके ये सारे कस्टमर है इलेक्ट्रिकल की बात करें पॉलीकैब एक बहुत बड़ी कंपनी है बायोटिक आपने इनके प्रोडक्ट्स यूज करे होंगे केमिकल्स के शैंपू वगैरह जेसी जे एच सी, -सी एस्कॉट एस आर एस ये इनके हाइजीन हेल्थ केयर में है एग्री प्रोडक्ट की बात करें तो एग्री प्रोडक्ट में ये दो यहाँ पर बड़े नाम है सर्वेश्वर इसके बाद निम्बार कि ये एग्री प्रोडक्ट्स में इनके साथ है केमिकल कंपोनेंट में हिम केम लिमिटेड आपने नाम सुना ही होगा हिमाद्री इफ एम नॉट रॉन्ग हिमाद्री केमिकल्स ये तो उस ये कंपनी इनके साथ आ, इंक्लूड है इसके अलावा स्मार्ट प्रोडक्ट की बात करें आईजीए ओके आ, गेल गुजरात गैस एच एस ये सारे के सारे बड़े क्लाइंट इनके ही है तो याद रखिए कंपनी छोटी नहीं है कंपनी बड़ी आ, बड़ी नजर आती है अगेन की क्लाइंट देखे वो यहाँ पर नजर आते हैं इनोवेशन में ये काम करते दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन काम करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ग्रीन ग्रीनरी को और साथ में लेके चल रहे हैं अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की तो देखिए पांच करोड़ रुपए का मार्केट कैप है ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्यों क्योंकि अगर माइक्रो कैप कंपनी है अगर आपने एक लाख रुपए आपने सोचा कल लगा देता हूं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये एक लाख रुपए आपके एक लाख रुपए ही रह जाए और पचास लाख एक लाख रुपए शायद दस हजार रुपये ही रह जाए या पचास हजार रुपए रह जाए या पांच हजार रुपये रह जाए ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जीरो हो जाएगा तो जीरो नहीं होगा जब तक कोई फॉल्ट नहीं हो रहा पी रेशो की बात करें बीस और इंडस्ट्री का पी उन्तालीस है लगभग आधे पे ये चल रहा है सस्ता है आरो सी, आरो काफी बेहतरीन है चौबीस और इक्कीस बीस से ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है बारह परसेंट का डेट टू इक्विटी है मतलब डेट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी में ये अच्छा है प्लाइजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है ओके ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है और आठ रुपए पंद्रह पैसे का हाई बना के पांच पैसे, पैसे पांच रुपए तीस पैसे पे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न शेयर लगभग तेरह रुपए पर में यहाँ पर लगभग सोलह सत्रह रुपए पे गया था उसके बाद लगातार गिरावट और कंसोलिडेशन फेज में ही ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है इसके रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के यहां पर सेल्स लगातार बढ़ रही है और इस पिछले दो तीन क्वार्टर सेल्स लगातार डबल होती हुई नजर आई है आ, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें कंपनी घाटे में थी वो प्रॉफिट में आ गई है और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो कमजोर है ओके मार्जिन पे बात करेंगे तो कमजोर है बट नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छी खासी है जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम इनकी ज्यादा होती हुई दिखाई दी है तो कंपनी हाइएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट पेश करती हुई नजर आई है यहाँ पर बात करें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस की तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखेंगे पिछहत्तर करोड़ से तीन करोड़ तो कहीं ना कहीं अगर इन बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो याद रखिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम

कोई इशू नहीं गम नहीं रहेगा बट अगर यही दस हजार रुपए आप सपोज लगाते हैं और आने वाले पांच से दस साल में यही शेयर पांच रुपए का पांच सौ रुपए पे हो जाता है तो याद रखिए मल्टी बैगर रिटर्न मिल गए आपको आप यहाँ पर करोड़पति बन गए नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो घाटे में थी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है रिजर्व्स रिजर्व है जीरो से नब्बे करोड़ का रिजर्व हो गया बोरइंग यहाँ पर बयालीस से तेईस हो गई है आधी बोरइंग हो गई है वर्किंग प्रोग्रेस में छह करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट एटी फोर करोड़ रुपए और कैश की बात करें तो आठ करोड़ का कैश भी और जिस तरीके से कंपनी भारत ग्रो कर रहा है और छोटी छोटी कंपनी को भी ग्रो करना है छोटी छोटी कंपनी है माइक्रो कैप कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप बनेगी ओके और स्मॉल कैप मिड कैप और मिड कैप लार्ज कैप बनती हुई नजर आएगी तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए नेगेटिव है शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर डिसअपॉइंट करेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर लगभग साठ परसेंट की हिस्सेदारी जो लगातार कम होते होते लगभग फोर्टीन परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास रह गई है विकास गर्ग इकतीस परसेंट से बारह परसेंट पर रह गए है। और विवेक गर्ग ने यहाँ पर हिस्सेदारी की रह गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिस्सेदारी काफी लोगों ने यहाँ पर बेचती हुई नजर आई है और जो अभी हिस्सेदारी बिछी है ओके फाइव परसेंट से ज्यादा की तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में से ही यहाँ पर गए होंगे एफ अभी दिखा रहे हैं ये अभी अपडेट नहीं हुआ है ओके क्योंकि अभी की न्यूज थी एक बार अपडेट हो

में से भी देखे तो लगभग यहां पर वन पॉइंट टू फोर परसेंट अखिल मित्तल के पास है ओके और और किसी के पास भी नजर नहीं आती तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान कॉशियस क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नहीं है 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 ने पर यहां पर एं, आ, एंट्री ली है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है ये पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के रिजर्व यहाँ बढ़ रहे हैं ये पॉजिटिव सिग्नल है बट प्रमोटर्स की होल्डिंग ना के बराबर है ओके ये एक नेगेटिव सिग्नल है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अब बात करते हैं चार्ट की तो देखिये अः जब हम पैसे लगाने की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म का तो टारगेट लेना ही नहीं है ओके तो आपको इसमें चार्ट देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि क्यों आप चार्ट देख के इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप इन्वेस्ट करके पांच साल दस साल के लिए लगभग इसे छोड़ छोड़ देंगे देंगे और जब छोड़ देंगे तो शायद आगे आने वाले टाइम में में पर पर एक अच्छा खासा पैसा उस केस में पर बनता हुआ नजर आएगा बट स्टिल आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो चार्ट पैटर्न की बात करने में कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर दिक्कत नहीं है ओके शेयर की अगर हम यहाँ पर बात करें जब तक इस लाइन जो ये लाइन मैंने खींची है इसके ऊपर चली जाए ओके ओके वेल ये ये जो पर्टिकुलर, आ, ये जो पर्टिकुलर दे, दे रखी है okay, इस लेवल के ऊपर चले जाए छह के तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो कि यहाँ पर सात रुपए नब्बे पैसे तक ले जाएगी बट ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले ओके okay, ट्रेडिंग के बारे में सोचिए मत इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे थोड़ा सा नीचे आएगा और तो और खरीदे जितना नीचे आए और खरीदे और जब बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर खरीदेंगे एक एवरेज प्राइस आएगा दो तीन रुपए पे यहाँ पर आएगा क्योंकि उन्होंने भी चार रुपए पे खरीदा है तो अच्छा खासा पैसा फिर उस केस में बनता हुआ नजर आएगा जब ये शेयर और भागते हुए नजर आएगा और दस साल में जब ये पाँच रुपए का शेयर शायद पांच सौ रुपए का हो जाए तो लॉन्ग टर्म के व्यू से रखिएगा धीरे धीरे खरीदिएगा अगर आप खरीदना चाहते हैं बट फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ये सारा का सारा एक व्यू था जो मेरे को आपको बताना था क्लाइंट अच्छे हैं कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है और आगे चल केमिकल इंडस्ट्री बढ़नी है तो बहुत सारे इसमें पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नजर आ सकते हैं और जिस तरीके से इन बड़े लोगों ने खरीदा है तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना कमेंट करना शेयर करना जितना हो सके सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच गॉड ब्लस